कोविड महामारी ने खेल जगत को एक तरह से साइडलाइन कर दिया है, बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया है। पहले आईपीएल का आयोजन, वो भी बीच में रुका, उससे पहले पीएसएल का आयोजन, वो भी बीच में रुका। गनीमत है कि आईपीएल की नई तारीखें आ गई हैं, बिल्कुल टेंटेटिव डेट्स हैं, लेकिन सितंबर में ये शुरू हो रहा है। अक्टूबर, 10 अक्टूबर को फाइनल होगा, 18 या 19 सितंबर में से शुरुआत होगी इस टूर्नामेंट की। और वहीं पीएसएल की अगर हम बात करें तो अब आज का दिन तो बहुत ही यादगार दिन है पीएसएल के इतिहास के लिए। बिल्कुल, पीएसएल में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहे हैं। जो 20 मैच रह गए थे पीएसएल के, पाकिस्तान सुपर लीग के, वो अब उनको अंजाम दिया जा रहा है और शुरुआत हो रही है लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुकाबले के साथ, जो आबूधाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। और इन 20 मैचों की शुरुआत हो जाएगी। सोहेल अख्तर हैं टीम के कप्तान, लाहौर कलंदर के और इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तानी कर रहे हैं शादाब खान। तो अगर देखें तो वैसे तो विश्लेषण अभी बहुत ज़्यादा बारीकी से करना बहुत ज़्यादा उचित नहीं होगा, क्योंकि कौन सी टीम कितनी फॉर्म में है, कितने पानी में है, ये तो खैर मैदान में उतरने के बाद ही पता चलेगा। हालात बिल्कुल अलग होंगे, बदली बदली फिज़ा होगी। और ऐसी स्थिति में सबकी नज़रें जो रहने वाली हैं ना, वो है लाहौर कलंदर के मोहम्मद हफीज़ पर, और जिन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, और साथ ही फ़ख्र ज़मान पर। और फ़ख्र ज़मान ने भी जो अपनी ICC रैंकिंग में जो वनडे में बहुत ज़बरदस्त सुधार किया है, शायद उनको यहाँ भी कुछ फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि दोनों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है पीएसएल के पहले पड़ाव में। और वहीं अगर हम देखें तो तेज़ गेंदबाजी में शाहीन शाह अफरीदी, हैरिस राव, इन पर खास तौर पर नज़र रहने वाली है। और वहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो शादाब खान के अलावा, एक सबसे अच्छी बात इस टीम की यह है कि एक यूनिट की तरह खेलती है, कोई एक खिलाड़ी नहीं चमकता। अगर आप देखें तो पहले जो 4 मुकाबले हुए उसमें सिर्फ एक हाफ सेंचुरी लगी, और पॉल स्टर्लिंग के बल्ले से वो हाफ सेंचुरी देखने को मिली थी। और एलेक्स हेल्स ने कुछ एक अच्छी पारियां खेली हैं, 40+ की 2 पारियां खेली हैं। हसन अली पर सबकी नज़रें रहने वाली हैं, और जिन्होंने बहुत ही आला दर्जे का प्रदर्शन किया टेस्ट क्रिकेट में, चाहे वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो, चाहे वो जिम्बाब्वे के खिलाफ हो, लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं। और यहाँ छोटे फॉर्मेट में उनका बड़ा इम्तिहान होने वाला है, और फहीम अशरफ एक ऑलराउंडर, उन पर हमेशा हर एक की नज़र रहती है। तो इस तरह से हो जाइए तैयार इस मुकाबले के लिए। और हमारा तो यही मैं कहूँगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा लाहौर कलंदर पर भारी रहा है, पिछले 5-6 मुकाबले अगर आप उठाकर देखेंगे तो। अब लाहौर कलंदर की बारी है कि क्या वो उसे पटकनी देते हैं या वही कुछ होगा जो हमेशा होता है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर दें। कौन सी है आपकी फेवरेट टीम, लाहौर कलंदर या इस्लामाबाद यूनाइटेड, या फिर आप इसमें जो कड़ी प्रतियोगिता है उसका अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि पहली 4 टीमों के अंक बराबर हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुकाबला बहुत ही कड़ा होने वाला है, और सारे मुकाबले कड़े हैं। कोई भी टीम चैंपियन बन सकती है, उभर कर आ सकती है। ये 20 मैच तय करेंगे तकदीर पीएसएल की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।